ना मिली कि एक ट्रक से शराब क्या मामला है सर, कितनी शराब बरामद हुई और कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? देखिए एक सूचना मिली थी कि शराब रखे पाने वाला था और उस पर पुलिस की टीम गठित करके उस पर छापामारी की गई और एक हरियाणा नंबर मोड में जो है 12 चक्का ट्रक उस पर पूरी तरह से शराब लोड किया हुआ पाया गया है। गिनती उसकी की जा रही है और पूरी तरह से हमें लगता है कि वो खड़ा हुआ था और उस पर हम लोग जो है ना 3 गिरफ्तारियाँ की है, जिसमें कि एक ड्राइवर है और 2 जो उसके कर्मी थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे उनको किया है। इस मामले में जो शराब रिसीवर थे उनकी पहचान हो गई है और साथ ही साथ जो मुख्य माफिया था जो शराब मंगवाता था उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, छापामारी भी की गई है, अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस फॉरवर्ड लिंक को भी पकड़ लिए हैं, उसको एस्टैब्लिश कर चुके हैं और इस क्रम में ही हम लोगों ने जो हरियाणा से जो माल उसको सप्लाई किया है उस सप्लायर का भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसको भी एस्टैब्लिश कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जितने लोग थे अभी प्रथम दृष्टया जो इसमें शामिल पाए गए हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और छापेमारी की जा रही है उनको पकड़ने की, और जो लोग बाहर गए हैं उनके में भी जो है विधि सम्मत कार्रवाई करके हम लोग उसको। आज जो आयोजित किया गया था क्या उद्देश्य था इसका? देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 फरवरी से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है बिहार के हर जिले में, राज्य स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी, और इसी कड़ी में आज जिला स्तर पर सारण में हम लोगों ने पुलिस पब्लिक संवाद गोष्ठी रखा था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो दूरी है, जो खाई है, उसको पाटा जाए, उस दूरी को कम किया जाए और एक दूसरे से विचार विनिमय किया जाए, विमर्श किया जाए, ताकि जो आपकी समस्या है, जो पब्लिक की समस्या है वो हम समझ सकें, हमारी समस्या आप समझ सकें और दोनों मिल करके निदान निकालें ताकि हम लोग बेहतर समन्वय से, बेहतर आपसी सामंजस्य से एक बेहतरीन पुलिस, एक बेहतर सेवा आपको प्रदान कर सकें और पुलिस का भी जो नज़रिया है, पुलिस का भी कार्य करने का जो तरीका है उस पर आपसे फीडबैक प्राप्त हो ताकि हम भी उसमें परिवर्तन के लिए, उसमें बदलाव के लिए, और जो हमारे पुलिसकर्मी नहीं सही काम कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें ताकि उन पर भी उनको परिवर्तन लाने के लिए उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो करें, प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वो करें और उनके भी क्रियाकलाप में, उनके भी कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग बेहतर पुलिस पब्लिक समन्वय से और रिश्ते से एक विश्वास कायम करें और भरोसे के साथ जो है अच्छी पुलिस अच्छी सेवा दे सकें।